अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके सफ़र यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आपको सुनाने वाला हूँ, वो आ रही हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है तो कस्टम अथॉरिटी की तरफ से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में दोस्तों वहाँ पर नारकोटिक सब्सटेंस यानी स्मगलिंग की चीज़ों को वहाँ पर पकड़ा गया है। दोस्तों, जो वजन किया गया तो मालूम चला लगभग 1974 ग्राम दोस्तों देखा गया है। 1974 ग्राम मतलब मान के चलिए कि लगभग 2 किलो के आसपास नशीली चीज़ों को वहाँ पे पकड़ा गया, जो कि दोस्तों नशीली चीज़ें नारकोटिक सब्सटेंस भी उसे आप कह सकते हैं, स्मगलिंग का सामान उसे भी आप कह सकते हैं। तो फिलहाल सभी को जब्त कर लिया गया, जो भी लोग इसमें शामिल थे उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई दोस्तों जो है वो की जा रही है। अगली खबर दोस्तों यार, ये बहुत ही बड़ी खबर और थोड़ी बुरी खबर है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका का जो एयरलाइंस है, जिसे अमेरिकन एयरलाइंस कहा जाता है, वो फ्लाइट उड़ती थी दोहा से न्यूयॉर्क या फिर न्यूयॉर्क से दोहा। तो दोस्तों, फ्लाइट को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, यानी फ्लाइट को भी रोका जा रहा है। तो जो भी भाई लोग आप लोग अमेरिका जाने वाले थे, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे, खासतौर पर कतरी नागरिक लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अमेरिका वगैरह, तो आपको बता दूँ 28 अक्टूबर 2023 तक जितनी फ्लाइट की बुकिंग वगैरह दोस्तों है वो बंद रहेंगी। यानी 28 अक्टूबर के बाद दोस्तों फ्लाइट वगैरह आप ले पाओगे, जो भी अमेरिकन एयरलाइंस का जो वेबसाइट है उस पर जाकर टिकट वगैरह को बुकिंग कर पाओगे। अब दोस्तों, ऐसा किस लिए किया गया इसके बारे में कोई जानकारियां अभी नहीं दी गई है, पर दोस्तों इतना बताया गया कि दोस्तों फिलहाल फ्लाइटें जो है वो बंद रहेंगी 28 अक्टूबर 2023 तक। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथी है, वो भी बहुत ही बड़ी खबर है। खबर क्या है? सर्वाइविंग द सीजल एक्सपर्ट सेफ्टी टिप्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग समर हीट। दोस्तों, कल के दिन वहाँ पे कतर में डॉक्टर गधा मोहिद्दीन के बीच में और सिद्रा मेडिकल रिसर्च सेंटर के बीच में, दोनों के बीच में दोस्तों वहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया था। यानी जो भी कतर में भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, खासतौर पे गर्मी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो प्रेग्नेंट महिलाएं जो भी वहाँ हैं, चाहे वो कतरी नागरिक हो या फिर किसी भी कंट्री से ताल्लुकात रखती हैं, तो उन लोगों को गर्मियों से कैसे बचा जा सके, गर्मियों से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या कैसे बचना है, मतलब सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर बताया गया है। आपको बता दूँ दोस्तों, अभी गर्मी का जो है वो हाई पिक पॉइंट वहाँ पर चल रहा है, जैसा की खबर को आप पढ़ सकते हैं। इन द पिक समर मंथ, यानी दोस्तों काफी ज्यादा गर्मी कतर में पड़ रही थी, तो आपको भी पता होगा यदि रहते होगे तो वहीं पे साथियों, वहां पे जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं, उन लोगों को वहां पे इसके बारे में बताया गया कैसे इस सबसे हम लोग बचा जा सकते हैं। अगली खबर दोस्तों, कतर जॉर्डन ज्वाइन एफर्ट प्रोवाइड कैंसर ट्रीटमेंट टू रिफ्यूजी। दोस्तों, कतर चैरिटी और दोस्तों जॉर्डन की एक संस्था है, उन दोनों के बीच में कल के दिन एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट के दौरान दोस्तों मतलब एक ज्वाइंट एफर्ट चलाया गया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, यानी कैंसर के जो भी मरीजेज वगैरह हैं, जो रिफ्यूजी हैं, यानी खासतौर पर सीरिया का, फिलिस्तीन का, यमन का, जो भी लोग वहाँ पर हैं, उन लोगों को इलाज किया जाएगा, दोनों के चैरिटी की तरफ से मदद किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को समझे तो फोटो देख रहे हैं, एक तरफ कतर के चैरिटी वाले हैं और एक तरफ जॉर्डन की है, दोनों के बीच में दोस्तों ये समझौता हुआ है और दोनों के बीच की तरफ से दोस्तों देश की वहाँ पे मदद वगैरह जो है वो की जाएंगी। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।